हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज चर्चा। आज हम चर्चा करने वाले हैं लॉयड बिजनेस स्कूल के बारे में। लॉयड ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। लॉयड ग्रुप वाज एस्टैब्लिश इन 2004, तो आज अगर 2022 ऑलमोस्ट खत्म है, तो 18-19 साल की एक्सपीरियंस है एजुकेशन इंडस्ट्री में। लोकेशन जो है वो नॉलेज पार्क है। नॉलेज पार्क आप जानती होंगे कि दिल्ली NCR में पढ़ते हैं। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा इन स्पेसिफिक। और इस ग्रुप की अनुभव के हिसाब से अगर देखा जाए, एजुकेशन में बहुत अच्छा अनुभव है, तो ये एक प्रेफर्ड कॉलेज है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसीलिए हमें बहुत सारे इंक्वायरी मिल रहा था कि इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दे। हम कोशिश करेंगे सारे पॉइंट टच करने के लिए। अगर कोई पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट आपको जानना है, उसके लिए हमारे नंबर जो है काउंसिलिंग नंबर, उस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे काउंसिलर आपको जानकारी दे देगा। तो चलिए चलते देखते कि इस बिजनेस को लिया कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करते हैं। प्रोग्राम है पीजी प्रोग्राम है। पीजी प्रोग्राम में बीबीए बीकॉम एंड बीटेक प्रोग्राम है। बीबीए बीकॉम चौधरी चरण सिंह से अफिलिएटेड है, बीटेक AKTU से अफिलिएटेड है। अब आते पीजी प्रोग्राम एमबीए एमसीए जो है AKTU से अफिलिएटेड है। पीजीडीएम प्रोग्राम जो है वो आपकी AICTE अप्रूव्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD से अफिलिएटेड है। यूजी में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है BLLB। BLLB के लिए बहुत फेमस है लॉयड, क्योंकि BLLB में अगर देखा जाए तो टॉप रैंक्ड है। तो BLLB जो आपको मिलेगी वो चौधरी चरण सिंह से मिलेगी एंड BLLB के बहुत फेमस है। मैनेजमेंट एजुकेशन में भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट प्रोग्राम भी लॉयड में बहुत अच्छा है। अब आता है कि ऐसी कौन सी खासियत है लॉयड के प्रोग्राम में, वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, लॉयड की जो PGDM प्रोग्राम है, PGDM प्रोग्राम जो है उस पर डिवाइडेड है। PGDM एक कोर प्रोग्राम है। कोर प्रोग्राम मतलब आप जानते हैं, जहाँ पे आप सेकेंड ईयर में जाके स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं कि कौन सी स्पेशलाइजेशन लेना है, HR, मार्केटिंग, IT, यू नो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो भी स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं। तो आपको दो ऑप्शन मिलेगी, मेजर डुअल मेजर स्पेशलाइजेशन। तो आपको दो मेजर स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। इस प्रोग्राम की जो फीस है वो है 5,50,000। तो दो साल की आपकी फीस पड़ेगी 5,50,000 प्लस हॉस्टल चार्जेस है। ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे। आप पहले प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। सेकंड प्रोग्राम है PGDM बिजनेस एनालिटिक्स। PGDM बिजनेस एनालिटिक्स जो सेक्टोरल प्रोग्राम है, उस पर आपको सुपर स्पेशलाइजेशन मिलेगी। अब ये सुपर स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपकी PGDM की डिग्री तो मिलेगी मिलेगी, आपको जो बिजनेस एनालिटिक्स वो IBM पावर्ड बाय IBM है। तो आपकी जो सिलेक्शन के टाइम ही आपको चूज करना है अगर बिजनेस एनालिटिक्स लेनी है तो। और वो बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो IBM की फैकल्टी, जो सर्टिफाइड फैकल्टी से, वही आपके इंटरव्यू लेगा। और आपको अगर उनको लगेगा कि यू आर वन, जो आप IBM की जो बिजनेस एनालिटिक्स क्रैक कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, तभी आपकी सिलेक्शन इस प्रोग्राम में होगा। 25 सीटें हैं मात्र, ओनली 25 सीट्स। तो ऐसा नहीं कि हर बच्चे जो अप्लाई करेंगे उसको सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन के लिए आपको इंटरव्यू के बाद ही डिसाइड होगा। जो फीस है 6,75,000 आपकी फीस है, ट्यूशन प्रोग्राम फी, हॉस्टल फी अलग है। प्लेसमेंट्स अगर देखा जाए तो 6 से 9 लाख की एवरेज प्लेसमेंट्स मिला है स्टूडेंट को। इस प्रोग्राम आप लेंगे तो आपकी कंपटीशन जो है वो कम है और मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। 25 सीटें हैं मात्र। अगर मान के चलिए दूसरे प्रोग्राम लेते हैं, उस पर 100 सीटें हैं, तो उस पर कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज़्यादा है। इस पर कॉम्पिटिशन कम है तो बच्चे को अच्छे प्लेसमेंट्स मिल जाती हैं। प्रोग्राम है PGDM इन HRM। PGDM HRM जो एसोसिएशन है वो मैन पावर कंसल्टिंग ग्रुप के साथ है। मैन पावर इज अ लीडिंग कंसल्टिंग ग्रुप इन इंडिया। तो आपकी जो इस पे अगर PGDM प्रोग्राम HRM में एडमिशन लेंगे, इसका भी सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम है। अब 30 सीट्स अवेलेबल है इस प्रोग्राम में। अगर इस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी 6 मंथ की OJT होगा। OJT मतलब है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये समर इंटर्नशिप थोड़ा सा अलग है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको सैलरी भी मिलेगी, साथ ही साथ जो भी थीरी आपने पढ़े उसका प्रैक्टिकल करने का मौका भी मिलेगा। और उस प्रैक्टिकल के बेसिस पे आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा 6 मंथ की। सो यू आर नॉट अ फ्रेशर एनीमोर, आप एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट के तौर पे काउंट किया जाएंगे। जो जिस कंपनी में आप OJT कर रहे हैं, उसी कंपनी में अगर आपको अच्छे प्लेसमेंट्स ऑफर होता है तो उस पर आप एडमिशन उसमें आप जॉब कंटिन्यू कर सकते, नहीं तो वापस आके आप कैंपस प्लेसमेंट में भी बैठ सकते। इस पर भी 30 सीटें अवेलेबल है। फीस जो है 6 लाख की है। जो IBM लेंगे उस पर और इस पर दोनों स्टूडेंट को आपको लैपटॉप, कॉलेज की तरफ से लैपटॉप, बुक बैग और आपकी जो ड्रेसेस है, ठीक है,
वो सारे यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें मिलेगी। अब थर्ड आते PGDM मीन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इस प्रोग्राम में भी आपका OJT है। इस ये जो PGDM प्रोग्राम है एसोसिएटेड है LSC, LSC मतलब है लॉजिस्टिक सेक्टर स्केल काउंसिल। इस LSC में आपको इस प्रोग्राम में भी आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी वो 6 मंथ की। 6 मंथ के बाद इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द सेम कंपनी यू कैन, और कैंपस में वापस आके आप फाइनल प्लेसमेंट के लिए भी बैठ सकते हैं। फीस कितना है? 6 लाख। इनटेक कितना है? 30 अगेन। और एवरेज प्लेसमेंट्स कितना है? अराउंड 6 लाख की है। तो अगर देखेंगे 6 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 6 लाख की प्लेसमेंट आपको फर्स्ट ईयर में मिल रहा है, सो इट्स प्रीटी गुड ऑप्शन। फिफ्थ वन इज PGDM इन BFSI। BFSI मतलब है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। बहुत सारे स्टूडेंट है बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या फाइनेंशियल या इंश्योरेंस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आपको सेक्टोरल प्रोग्राम की नॉलेज शुरू से दिया जाएगा। तो ये प्रोग्राम की फीस है 6 लाख, इनका भी इनटेक है 30, ठीक है। और अगर देखा जाए ओवरऑल मार्केट में जिस हिसाब से डिमांड है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए कॉलेज की जो टाइप है वो है NSE अकेडमी के साथ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अकेडमी के साथ। तो आपकी जो वहाँ की कॉर्पोरेट फैकल्टीज है वहाँ की आपको सिखाएंगे पढ़ाएंगे फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे काम करते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे काम करते हैं, इंश्योरेंस में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें। इंटेक 30, फीस 6 लाख, ओवरऑल प्लेसमेंट्स 5 to 6 लाख की एवरेज प्लेसमेंट्स आपको मिलेगी, ठीक है। हाईएस्ट प्लेसमेंट्स आप देखेंगे तो 22 लाख की हाईएस्ट प्लेसमेंट्स यहाँ से मिली है। और इंटर्नशिप की ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स को और OJT की ड्यूरेशन में 15,000 तो मिनिमम सैलरी मिलती है, और उसके ऊपर यू नो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइप की सैलरी मिलेगी। अब जितने सारे स्टूडेंट हैं उसकी 3% स्टूडेंट को फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। और सारे स्टूडेंट को लैपटॉप कॉलेज की तरफ से मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी, बुक बैग मिलेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक यू नो चीज़ें हैं कि आपकी देखिए जो सेक्टोरल प्रोग्राम है उसमें इंटेक कम है, कॉम्पिटिशन जो है वो भी कम है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग प्लेस्ड इज वेरी वेरी हाई। तो ये ओवरऑल मतलब प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। अब आते हैं आपकी जो एडमिशन के लिए क्या चाहिए। 50% ग्रेजुएशन चाहिए, मैट जैट कोई एक एग्जाम कंपलसरी है। एग्जाम्स के बाद आपकी एक इंटरव्यू होगा, GD होगा, उसके बाद इफ़ यू आर गुड इनाफ देन यू वुड बी सिलेक्टेड। सिलेक्शन के बाद आपको 50,000 देके आपकी सीट बुक करनी है। रेस्ट ऑफ द फीस के जो शेड्यूल है यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आते हैं उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे स्क्रोलर या यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आप उसको देख के देख सकते हैं। ज़्यादातर जो कंपनीज ऑल अदर बिजनेस स्कूल में भी आते हैं वही सारी कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए भी आते हैं। स्कॉलरशिप अवेलेबल होगा स्टूडेंट्स के लिए बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन यू नो GD इंटरव्यू एंड ग्रेजुएशन परसेंटेज, और लेकिन ऐसा नहीं कि सारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ठीक है। इंडस्ट्री विजिट, ये सारी चीज़ें, कॉर्पोरेट फैकल्टीज, ये सारी चीज़ें भी होगी। तो सेक्टोरल प्रोग्राम एंड आपकी डुअल स्पेशलाइजेशन दोनों अवेलेबल है। जो भी आप सेक्टोरल प्रोग्राम लेंगे उसके साथ और एक स्पेशलाइजेशन भी आप चूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक कैंपस की बात है, क्राउड बहुत अच्छी है। कैंपस दो कैंपस है, आमने सामने ही है। 800 कैंपस इज ह्यूज, तो आप कैंपस के बारे में कोई कंप्लेन आपका रहेगा नहीं। तो ओवरऑल इस रेंज पे लॉयड बिजनेस स्कूल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इससे अगर बजट आपकी ज़्यादा है तो दूसरे कॉलेज भी आप देख सकते हैं, कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट सुटेबल होगा। उसके लिए हमारे नंबर पे कॉल करिए, हमारे काउंसलर आपको गाइड कर देंगे। एनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी तरफ से आपको रिस्पांस मिलेगी, या कॉल करिए, हमारे काउंसलर की तरफ से आपको रिस्पांस मिल जाएगी, ठीक है। तो हम डिस्कशन करेंगे किसी और कॉलेज के बारे में, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाकी इसको शेयर करिए, जिसको ज़रूरत है वो भी एक बार देख ले, और इसके साथ साथ कौन सी और कॉलेज आपको पसंद है और कौन सी और कॉलेज के ऊपर आपको डिस्कशन चाहिए, चर्चा चाहिए, हमें बता दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे दूसरा वीडियो लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।